गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। अब आप कहोगे कि आज अपने चैनल में स्वागत नहीं किया, अरे रोजाना करता हूँ, आज क्या ज़रूरत है, डेली करता हूँ। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होती है, ये जो टेंस होता है इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं उसकी जो वर्ब है उसके अंत में रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं और साथ में समय दिया होता है काम करने का। फ्यूचर कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में यही अंतर होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस जो होता है उसमें समय नहीं दिया होता है, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय दिया होता है, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो जैसे विल शैल का यूज होता है, मैंने पहले बताया आपको, इंडेफिनिट में होता है विल और शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट में। कंटीन्यूअस में विल बी और शैल भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव और शैल हैव, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो जैसे विल और शैल का यूज होता है ऐसे ही विल हैव बीन और शैल हैव बीन का, मीन्स आई तथा वी के साथ लगाते हैं हम शैल हैव बीन। अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ विल हैव बीन का यूज होता है, और वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब चौथी बात जो है, जो फोर्थ मैटर है इसका, वो क्या है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है, उसके लिए हम अभी तक सिंस लगाते आए थे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में यहाँ पर सिंस न लगा करके टिल या बाई का यूज होता है। ये मेमोरेबल थिंग है कि इसको आप यहाँ पर टिल या बाई का यूज करेंगे यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, और जो पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, उसके लिए हम वही फॉर का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल या बाई, और निश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। अब टिल या बाई का यूज़ कहाँ होता है, देखिए मैंने लिख दिया, जहाँ बजे लिखा हुआ हो, किसी दिन का नाम हो संडे मंडे, किसी महीने का नाम हो मार्च जून, किसी वर्ष का नाम हो 2019 2015, हाँ जैसे सुबह तक, दोपहर तक, शाम तक, रात, कल, इस तरह से हो, तब हम बाई या टिल का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है, जैसे कि 5 सेकंड से, 10 मिनट से, 4 घंटे से, 3 दिन से, 2 सप्ताह से, 1 महीने से, या 6 वर्षों से। तो यहाँ पर ये फॉर और बाई या टिल का यूज़ किया। अब हम चलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। मैं यहाँ इसको इरेज कर रहा हूँ, और जब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हर टेंस में मैं पीछे लिखता आया हूँ, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा एफर्मेटिव का, कि सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर टिल या बाई में से एक होगा यदि पॉइंट ऑफ टाइम है, या फिर फॉर होगा, उसके बाद में टाइम दिया होगा, और फिर अदर वर्ड्स होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल, वह 3 घंटे तक बाग में पानी लगाता रहेगा, पानी लगाता रहेगा, ता रहेगा, और समय दे दिया 3 घंटे तक। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, उसके बाद में फिर पानी लगाने की अंग्रेजी क्या होती है वाटर, और उसमें आईएनजी लगा देंगे वाटरिंग द गार्डन 3 घंटे तक, फॉर 3 hours, ही विल हैव बीन वाटरिंग द गार्डन फॉर 3 hours। अब यदि हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो मैंने आपको पिछले टेंस में बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारी ये है, ये सेगमेंट्स में है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम नोट को कहाँ लगाते हैं, मैंने बताया था हमेशा जो पहला वर्ड होता है उसके बाद लगा देते हैं। तो यदि नेगेटिव होगा तो नोट कहाँ लगा देंगे, इसके विल के बाद में, क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन। यदि सेंटेंस होता है 3 घंटे तक बाग में पानी
नहीं लगाता रहेगा तो क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन, विल हैव नॉट बीन नहीं, या विल हैव बीन नॉट नहीं, केवल क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन। याद रखने वाली बात है कि नॉट का प्रयोग हमेशा फर्स्ट वर्ड के बाद होता है यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया नेगेटिव। इसके बाद में अब हम इंटरोगेटिव देखते हैं। तो और इंटरोगेटिव वही टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, यस नो टाइप या डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब कनेक्टेड है तो क्या होगा, विल या सेल तो सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद में फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन उसके बाद में आएगा यदि हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप बनाते हैं। तो विल या सेल सब्जेक्ट से पहले होता है और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद होता है, उसके बाद में फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टिल या बाय या फॉर, फिर टाइम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे क्या तुम 2 बजे तक, हाँ 2 बजे तक यह कार्य करते रहोगे, क्या तुम 2 बजे तक यह कार्य करते रहोगे, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, विल या सेल, और विल या सेल में से क्या आएगा, श्योरली विल आएगा, हाँ तो विल लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, फिर हैव बीन लगा देंगे, विल यू हैव बीन, आफ्टर दैट वर्ब करना, उसमें आईएनजी लगाएंगे, विल यू हैव बीन डूइंग यह कार्य, दिस वर्क, और कैसा समय है ये, 2 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो बाई लगा सकते हैं हम या टिल लगा सकते हैं, बाई 2 o'clock, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क बाई 2 o'clock। और यदि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होगा, सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप में क्या करेंगे, सेकंड टाइप में मैंने पहली बार पहले भी बताया था कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है, जैसे कि राम सोमवार तक तुम्हें क्यों पढ़ाता रहेगा, क्वेश्चन मार्क, हाँ तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, हाँ क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, उसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब, हमने बताया केवल इतना अंतर होता है फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में कि सेकंड टाइप में बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाता है, तो वाई, वाई के बाद में फिर विल, सब्जेक्ट राम और वही कनेक्टेड हेल्पिंग वर्ब का बाकी हिस्सा हैव बीन, पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है टीच, उसमें आई एन जी टीचिंग, वाई विल राम हैव बीन टीचिंग यू, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या हो जाएगा, टिल या बाई लगा देंगे, बाई मंडे, बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन हो गया। और यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होते हैं तो मैं और अपने अर्लियर टेंसेस में जिस समय मैंने उनको डिस्क्राइब किया था, बताया था कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा, हाँ और समझा भी होगा, और कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि आगे आपको क्या पढ़ना है, फिलहाल मेरे टेंसेस पूरे हो चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कल से मैं वही स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।